दोस्तों सीएसके से हारते ही प्लेऑफ में बुरी तरह फंसी एमआई, अब एक हार और प्लेऑफ से बाहर। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से सीएसके से हारने के बाद यानी चेन्नई से हारने के बाद मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में जाने का रास्ता भी थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों आईपीएल 2023 का 49वां मुकाबला खेला गया मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। इस मुकाबले में सबकी निगाहें इस पर थी कि कैसे मुंबई इंडियंस चेन्नई को हराएगी और टॉप फोर में एंट्री मारेगी, लेकिन यहां सब कुछ उल्टा हो गया। दरअसल दोस्तों मुंबई और चेन्नई के मुकाबले में मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 139 रन बनाए, इसके जवाब में चेन्नई की टीम ने यहां पर 270.4 ओवर में मुकाबले को चेस कर लिया और 140 रन बना डाले। अब यहां पर दोस्तों मुंबई के लिए केवल हार नहीं थी बल्कि उसके प्लेऑफ में जाने के जो रास्ता था उसमें भी एक बंदिश नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस समय पॉइंट टेबल में है इस समय छठे स्थान पर। रहने का मतलब यह है कि उसको टॉप फोर में जाने के लिए अब यहां पर दोस्तों लगभग बचे हुए सभी मुकाबलों को जीतना होगा। मुंबई के पास अभी भी चार मुकाबले हैं, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ, क्योंकि पांचवें स्थान पर पॉइंट टेबल में है आरसीबी, और अगर आरसीबी मुंबई को हरा देती है तो आरसीबी का टॉप फोर में जाना लगभग तय हो जाएगा और मुंबई इंडियंस के लिए टॉप फोर में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल। दरअसल आरसीबी का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई से होने वाला है 9 मई को भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे से मुंबई के ग्राउंड पर होगा, और यहां पर मुंबई इंडियंस हर भरकस प्रयास करेगी कि इस मुकाबले को जीता जाए और टॉप फोर में एंट्री मारी जाए, क्योंकि अगर आरसीबी इस मुकाबले को जीत जाती है तो टॉप फोर में मुंबई के लिए जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आपकी क्या राय, क्या मुंबई टॉप फोर में एंट्री मार पाएगी? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।